अशोक जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है, किस तरीके से इस दौरे को देखा जाए और इस दौरे के क्या मायने हैं, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप अमित शाह के इस 2 दिवसीय दौरे को, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, आपको बता दें कि अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश के महामंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी थे। उस समय यूपी में मुलायम आते थे तो मायावती जाती थी, मायावती जाती थी तो मुलायम आते थे। लेकिन जिस तरह से उन्हें राजनीति करके, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष करके उत्तर प्रदेश में इन लोगों को की, जिस तरह से अपराध को बढ़ाने का, अपराध का राजनीतिकरण करते थे ये लोग, उसे खत्म करने का काम किया है। निश्चित तौर पर उसमें योगी जी का योगदान तो है ही, अमित भाई शाह का भी है। निश्चित तौर पे वो एक संगठन के कुशल कार्यकर्ता भी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है तो लगभग सारे लोग उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। अमित भाई शाह भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न तबकों की बैठकें करेंगे, विधायक सांसदों की, प्रभारियों की बैठक करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक करेंगे, स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे और अवध क्षेत्र के लोगों की बैठकें करेंगे। निश्चित तौर पे एक कार्यकर्ता का जो धर्म होता है चुनाव में, उस धर्म का निर्वहन करेंगे अमित शाह जी। आकाश जी, आप किस तरह से देखते हैं अमित शाह के इस 2 दिवसीय दौरे को, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा मैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अच्छी बात है कि अब ये आ रहे हैं जब 4.5 साल पूरा हो गया है उत्तर प्रदेश की सरकार का और उत्तर प्रदेश की बर्बादी का। आपको याद होगा जब कोरोना काल शुरू हुआ था, जब हर गली मोहल्ले में लोग मर रहे थे, तब शायद अमित शाह जी बिल्कुल पिक्चर से गायब हो गए थे। अगर